हाय फ्रेंड्स, दिस इज यस। लास्ट वाली क्लास में हमने LHS और CTS के फॉर्मूले डेरिवेशन पर बात करी थी कि उनमें जो फैक्टर आता है वो फैक्टर कहाँ से आया। ठीक है, आज हम बात करेंगे C2S, C3S, C4F और सिलिका मॉड्यूलस एंड एल्यूमिनियम मॉड्यूलस पर हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बात करते हैं C2S के फॉर्मूले की। LHS और C3S की बात हो गई है। C2S फॉर्मूला है थ्री नंबर। C2S का फॉर्मूला होता है 2.867 इंटू सिलिका माइनस 0.7544 C3S। ओके, तो इसमें जो 2.867 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है और 0.7544 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है उसके हम बात करेंगे। तो C2S का मॉलिकुलर वेट कितना होता है हम पता नहीं हो, याद नहीं हो तो हम निकाल भी सकते हैं। कैल्शियम के दो मॉलिक्यूल है 56 इंटू टू प्लस सिलिका के वन मॉलिक्यूल है 60। तो जो C2S का मॉलिकुलर वेट होता है वो 172 होता है। ओके, तो C2S के मॉलिकुलर वेट 172 में सिलिका का जो मॉलिकुलर वेट है उससे डिवाइड कर दीजिए जो आपका 2.867 फैक्टर आ जाएगा। सिलिका का मॉलिकुलर वेट होता है 60। ओके, जब इस को सॉल्व करेंगे हम तो 172 डिवाइड बाय सिलिका मॉलिकुलर वेट 60, तो ये आ गया अपना 2.867। ओके, इसको आप 3 डिजिट में ले लीजिए, 2.867। अब बात करते हैं 0.7544 C3S का फैक्टर कहाँ से आया। तो C2S का मोलिकुलर वेट 172 डिवाइड बाय C3S का मोलिकुलर वेट कितना है, तो C3S का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं अपन 56 इंटू C3 कैल्शियम के तीन मोलिक्यूल प्लस 60। ओके, जब इस रिएक्शन को सॉल्व करोगे 172 डिवाइड बाय 56 इंटू 3 प्लस 60। इसको सॉल्व कर दीजिए पहले 172 प्लस 28, तो ये आ गया 0.7544। इसको 4 डिजिट में ले लीजिए। ओके, इसको क्या है कि अगर 56 इंटू 3 प्लस 60 करेंगे तो ये 228 आएगा। तो ये 228 मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ओके, अब बात करते हैं C3A के फॉर्मूले डेरिवेशन की। C3A 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 का फॉर्मूला होता है 2.65 इंटू एलुमिना माइनस 1.69 इंटू आयरन। ओके, तो C3A में 2.65 का फैक्टर कहाँ से आया है और 1.69 का फैक्टर कहाँ से लिया इन्होंने। तो C3A का मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट कितना होता है। C3A का मैं मोलिकुलर वेट निकाल के बता देता हूँ। कैल्शियम के तीन मोलिक्यूल हैं 56 इंटू 3 प्लस एल्यूमिना का मोलिकुलर वेट होता है 102। C3A का मॉलिक्यूलर वेट होता है 270। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। C3A का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है 270 डिवाइड बाय एलुमिना का मॉलिक्यूलर वेट होता है 102। जब इस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे 270 डिवाइड बाय 102 तो ये फैक्टर आ जाएगा 2.65। इसको 2 डिजिट में ले लीजिए। ओके, इसी तरह हम बात करते हैं आयरन में 1.69 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है। तो C3A का मोलिकुलर वेट पता ही है 270, तो 270 डिवाइड बाय आयरन का मोलिकुलर वेट होता है 160, तो ये आ गया 1.69। ओके, C3A हो गया। अब बात करते हैं C4F के फॉर्मूले की। C4F का फॉर्मूला होता है
3.04 इंटू आयरन। ओके तो C4F का मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसको मोलिकुलर वेट निकाल के मैं बता सकता हूँ आपको। सी कैल्शियम के चार मोलिक्यूल है, 56 इंटू 4 प्लस एलुमिना का वन मोलिक्यूल 102 प्लस आयरन का वन मोलिक्यूल 160। तो इसको सोल्व करेंगे 56 इंटू 4 प्लस 102 प्लस 160 आ गया 486 का मोलिकुलर वेट होता है। तो बस C4F का जो मोलिकुलर वेट है उसमें आयरन के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो 3.04 आ जाएगा। C4F का मोलिकुलर वेट कितना हुआ 486 डिवाइड बाय आयरन का मोलिकुलर वेट कितना हुआ 160, तो ये आ गया 3.04। इसको दो डिजिट में ले लीजिए 3.04। इसी तरह आप SM का मोलिकुलर वेट, SM का क्या फॉर्मूला होता है और AM का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला नंबर 6 हो गया अपना SM। SM का फुल फॉर्म है सिलिका मॉड्यूलस, सिलिका मॉड्यूलस। इसका फॉर्मूला होता है सिलिका बटे L2O3 प्लस Fe2O3, सिलिका डिवाइड बाय एलुमिना प्लस आयरन। इसी तरह एम का क्या फॉर्मूला होता है, एम का फॉर्मूला होता है, एम की फुल फॉर्म होती है एलुमिना मॉड्यूलस। ओके इसका फॉर्मूला होता है एलुमिना डिवाइड बाय आयरन। अब इसको L2O3 लिख दीजिए आयरन। तो मैंने आपको LSF, C3S, C2S, C3A और C4F एंड सिलिका मॉड्यूलस और एलुमिना मॉड्यूलस के बारे में आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो भी आएगी क्लास उसमें मैं आपको शुरू से शुरुआत करूंगा सीमेंट, डेफिनेशन सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, BIS उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना उनका मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ वगैरह, उनका IR, SO3 वगैरह सबकी रेंज में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं सीमेंट मिल, रॉ मिल, किलन, उनकी किलन के अंदर होने वाली रिएक्शन, प्रीटर में कौन सा प्रीटर पर कितना टेम्परेचर होता है, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन कैसे निकालते हैं, और हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मैं आपको टच करने की कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ सीमेंट के, जो भी सीमेंट के अंदर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी वर्क कर रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज मिले, उसकी मैं कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू विल इन्जॉय माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।